नमस्कार, मैं हूं मनी ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। ब्रिटेन में तहलका मचाने वाला कोरोना का नया स्ट्रेन 2 वायरस 2 साल के बच्चे में मिलने के बाद मेरठ महानगर में हाई अलर्ट जारी। हालांकि बच्चे में स्ट्रेन 2 की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मंगलवार दिन में ही हो गई थी, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, जिसके चलते लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही। देर रात CSIR से रिपोर्ट हाथ में आने के बाद ही CMO ने इसकी पुष्टि की। मेरठ के जरिए कोरोना के इस नए स्ट्रेन 2 की प्रदेश में भी एंट्री हो चुकी है। जिस 2 साल के बच्चों में कोरोना का यह स्ट्रेन 2 मिला है, वह अपने परिजनों के साथ गत 14 दिसंबर को मेरठ के टीपी नगर थाना अंतर्गत लल्लापुर में आया था। CSIR नई दिल्ली की जांच रिपोर्ट मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। प्रदेश में स्ट्रेन 2 की पुष्टि का यह पहला मामला बताया जा रहा है। पुष्टि होते ही CMO, मंडलीय सर्वेलांस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मरीज के घर एवं कॉलोनी की घेराबंदी करा दी। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से विजय वर्मा की रिपोर्ट। जितने भी लोग UK से यहाँ पे आए थे, सब लोगों को मानक अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है, और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। इसके अंदर प्रिकॉशन वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क, 3 ही मूल मंत्र हैं। इससे बचने के लिए भी कोई अलग नई चीज़ है। और जितने भी लोग यहाँ पे इंग्लैंड से आए हैं वो सब सिम्टम फ्री हैं, किसी भी दिन में कोई सिम्टम या लक्षण नहीं है। ये प्राइमरी स्टेज पर आप लोगों ने इसको पकड़ लिया है, ये संभावना है कि आगे ये मेरे हिसाब से तो हमने बहुत काफी तुरंत तरीके से इसमें कार्रवाई की है और जो भी मानक थे उसके हिसाब से कंटेन कर लिया गया है। मेरे हिसाब से आगे इस तरह का कोई पेशेंट आना शायद संभव ना हो।